हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है। फॉर्म में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स होता है, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, सबमिट बटन, तो इन सबको एक एक बार डिस्कस करते हैं कि कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं नोट पैड ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं HTML कोडिंग फॉर्म डिज़ाइनिंग के लिए। बॉडी बॉडी क्लोज, और देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि एक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाना है, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपको यहां पर इनपुट टैग यूज करना है, इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप के बाद आपने यहां पर लगा दिया सिंपल टेक्स्ट। तो सिर्फ इतना लिखने से आपको वो एक टेक्स्ट बॉक्स बनाकर दे देगा। तो पहले सेव करते हैं, देखते हैं इतने कोड का आउटपुट क्या आता है। तो मैं यहां पर इसे सेव कर देता हूं form.html से डेस्कटॉप पर और सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे ये फाइल आपकी क्रिएट हो गई है और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखिए ये आउटपुट इसमें आ रहा है, इसने एक टेक्स्ट बॉक्स मुझे बनाकर दे दिया है जिसमें आप कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करने की कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें कितना भी टाइप कर सकते हैं, कितना भी बड़ा आप कंटेंट इसमें लिख सकते हैं। तो अभी इसको थोड़ा प्रॉपर डिजाइन करने के लिए इससे पहले हम लोग एक लेबल और सेट कर देते हैं जिससे कि पता चल जाए कि इसमें एक्चुअली क्या एंटर करना है। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट नेम। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर एक लेबल सेट कर दिया है, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स से पहले एक लेबल आ जाएगा, एक टेक्स्ट आ जाएगा लिखा हुआ जिससे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर क्या सेट करना था। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम जो है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए इसके बाद अब इस टेक्स्ट बॉक्स में और क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट वो है इसका नेम। तो हर एक कंपोनेंट को एक नाम देना होता है जिससे कि जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, जब हमें ये जो भी हम डेटा फिल करते हैं फॉर्म में उसको जब हम डेटाबेस में सबमिट करें तो वो पर्टिकुलर इसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए हम लोगों को एक यूनिक नेम लेना होता है जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर हर एक कंपोनेंट का अभी तो कोई यूज़ नहीं है हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी, अभी हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्म डिजाइनिंग कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पर नेम देना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो आप यहाँ पर नेम आप लिखकर चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आती है एक और इसका एट्रीब्यूट है वैल्यू, और वैल्यू में आप जो भी लिख देंगे वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया एंटर नेम हेयर। तो इसको सेव कर और इसको एक बार रिफ्रेश कर देखते हैं। तो देखिए ये अंदर लिखा हुआ आ रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप इसको यहाँ पर इसे इरेज कीजिए और यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, आशीष कुमार, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं। देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी जो लेंथ आ रही है टेक्स्ट बॉक्स की, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो होगा साइज एट्रीब्यूट। तो बाय डिफॉल्ट वो 20 साइज पे काम करता है, अगर आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, मैंने इसको 25 कर दिया, तो ये यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज कर देगा। ये 25 कैरेक्टर्स तक का जो डेटा होगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। और अगर आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको 10 कर दिया तो ये अब 10 इसका जो साइज होगा वो रह गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो कंपोनेंट है जो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका साइज जो है वो आपका बहुत शॉर्ट हो गया है, सिर्फ इसमें आप मैक्स 10 कैरेक्टर्स ही आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप यहाँ पे अपने एंटर्ड कंटेंट की साइज को लिमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी, और मैक्स लेंथ पे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है 10 कैरेक्टर्स। तो 10 कैरेक्टर्स का मतलब ये हो गया कि नाउ यू कैन एंटर मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स इन योर टेक्स्ट बॉक्स। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, पहले से रिफ्रेश कर लेते हैं और अब यहाँ पर इसको डिलीट करके और कुछ लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा अमित।
तो देखिए यहाँ पर जो है अमित कुमार के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं ले रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 कैरेक्टर्स को 10 कैरेक्टर्स के जो स्पेस है वो कंज्यूम कर चुका है, तो इससे ज़्यादा हम उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। तो मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वॉन्ट टू एंटर इन अ टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हैं, तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा देते हैं जिससे कि थोड़ा सही से वो विजिबल हो जाए। तो यहाँ देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर ये आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप एंटर करना चाहेंगे इससे ज़्यादा तो वो आपको एंटर नहीं करने देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा नेक्स्ट वाला। देखिए इसके बाद जो है वो हमें यहाँ पर देखना है कि पासवर्ड बॉक्स कैसे बनाना है। तो पासवर्ड बॉक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं इसे कॉपी कर कर और पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर स्टूडेंट नेम की जगह रख देते हैं स्टूडेंट पासवर्ड। तो स्टूडेंट पासवर्ड के लिए नेम टाइप टेक्स्ट की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा पासवर्ड बॉक्स, और नेम क्योंकि हमें जैसे यूनिक रखना है तो T2 कर देते हैं। वैल्यू को यहाँ पे कोई यूज नहीं है क्योंकि जो भी आप वैल्यू यहाँ पर इन द इंटरनली शो करना चाह रहे हैं वो सब पासवर्ड के फॉर्म में दिखेगा, तो उसका कोई यूज नहीं है। साइज और मैक्स लेंथ आप वैसे ही सेट कर सकते हैं जैसे आपने ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में किया था, वैसे ही आप पासवर्ड बॉक्स में भी आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इससे पहले यहां पर BR टैग लगा लेते हैं, एक और BR टैग लगा लेते हैं। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे शो हो रहा है। तो यहां पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, यहां देखिए यहां पर ये आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो वो आपको पासवर्ड के फॉर्म में वो डिस्प्ले करेगा। मैक्सिमम कैरेक्टर्स वो यहाँ पर भी 10 ले रहा है क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया कैसे सेट करना है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया जो है वो वहाँ रिक्वायर्ड होगा जहाँ पे आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जहाँ पे आप अपने कंटेंट को मल्टीपल लाइंस में सेव मतलब डिस्प्ले करना चाहते हैं या एंटर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया जो है वो यहाँ पर आपका कंटेनर टैग है, ऊपर जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे इनपुट वो आपका एम्प्टी टैग था। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया जो है वो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट एरिया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इतना लिखते हैं तो इसका आउटपुट आपको क्या शो होगा। तो देखिए इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर ये आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो मैक्स उन्होंने उसने आपको 2 लाइन दी है, 2 लाइन से ज़्यादा अगर आप टाइप करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पर आपको अलाउ तो कर देगा, बट यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार भी दे देगा साथ में जिससे कि आप उसे स्क्रॉल कर कर यूज़ कर पाओ। तो मैं देखिए यहाँ पर इसको स्क्रॉल बार यहाँ पर आ गया, जैसे आपने वहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज़ की और यहाँ पर आपने उसने आपको स्क्रॉल बार एक्टिवेट कर कर दे दिया है। तो यहाँ पर ये आपको स्क्रॉल बार आपके लिए हेल्प करेगा कि आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर कर देख पाएं, बट और थोड़ा से बेटर करने के लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो प्रॉपर्टी है इसकी उसमें हम लोग इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर दे देते हैं एक लेबल ADDRESS, एड्रेस के लिए हम लोग ये इसको यूज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट एरिया को। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ लिख के आए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसके बीच में एंटर कर दिया इसके कंटेंट में ओपन और क्लोजिंग जो इसका टैग है इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया है एंटर एड्रेस हेयर। तो ये जो एंटर एड्रेस हेयर है ये आपको इसके अंदर विजिबल हो जाएगा। देखिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर वो आपको शो कर रहा है एंटर एड्रेस हेयर। तो चलिए जरा अब जल्दी से इसका जो है चेंज करके देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर इसको एक यूनिक नेम दे देते हैं, यहाँ पर उसको एक यूनिक नेम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है उसको एक T3, और T3 के बाद यहाँ पर डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ रोज जो मैंने यहाँ पर सेट कर दी हैं 5, और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं 10। तो यहाँ पे आपको 10 रोज और 5 कॉलम्स का मतलब होगा कि हर एक रो में आप यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। तो ये आपको जो शो करेगा वो 10 बाई 5 का यानी कि 50 कैरेक्टर्स एंटर करने का जो साइज होगा वो आपको शो कर देगा।
इतना लिखने के बाद इसको सेव करके जरा रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए इसने आपको ये शो कर दिया है। तो यहाँ पर यू कैन एंटर मैक्सिमम 10 करेक्टर्स, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेक्टर्स आप मैक्सिमम एंटर कर सकते हैं। एंड यू हैव 5 लाइन्स फॉर दिस पर्पज़। तो एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और 5 लाइन्स आपने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो आपने यहाँ पर 5 रोज और 10 कॉलम्स का आपने यहाँ पर सेट किया है। आप यहाँ पे से 20 कॉलम्स भी कर सकते हैं, तो आउटपुट आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो ये आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है, जहाँ पे आप लोग मल्टीपल लाइन्स आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो आपको 20x5 का आपको एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके दे रहा है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप उससे ज्यादा डेटा फिल कर सकते हैं। उसके लिए वो आपको एज यूजुअल स्क्रॉल बार प्रोवाइड कर देगा, तो आप अपने स्क्रॉल बार को यूज करके आप अपने एंटर डेटा को देख सकते हैं। तो चलिए, ये था मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो हम लोगों ने ऊपर काम किया था वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैक्स लेंथ डेफिनेटली सेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटाबेस में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स या 60 कैरेक्टर्स से ज्यादा बड़ा एड्रेस नहीं जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी एंटर्ड कैरेक्टर्स की लिमिट सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने ऊपर यूज किया था पासवर्ड बॉक्स में और टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये था आपका टेक्स्ट एरिया। चलिए अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं सबसे पहले चेकबॉक्स। तो देखिए चेकबॉक्स और उसके बाद फिर हम लोग क्रिएट करेंगे रेडियो बटन। तो चेकबॉक्स में और रेडियो बटन में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये कि चेकबॉक्स में आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, और रेडियो बटन में सिर्फ सिंगल सिलेक्शन ही पॉसिबल होता है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो सबसे पहले बनाते हैं चेकबॉक्स। तो देखिए चेकबॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक br टैग लगा लेते हैं, एक और br टैग लगा लेते हैं जैसे कि थोड़ी स्पेस मिल जाए, और यहाँ पर शुरू करते हैं चेकबॉक्स के लिए। तो चेकबॉक्स के लिए मैं कैटेगरी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ हॉबीज की, और हॉबीज के बाद फिर से एक और br टैग लगाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं चेकबॉक्स बनाना। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए आप लोग लिखेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इसका मैंने एक नाम दे दिया, नेम इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर दे दिया है से n1। और ये देने के बाद मैं यहाँ पर एक वैल्यू सेट कर देता हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू आपको यहाँ पर सेट करनी होगी। तो यहाँ पे हॉबीज में मैं कुछ हॉबीज लिख लेता हूँ, जैसे एक स्विमिंग ले लेता हूँ, और इसकी जो वैल्यू है वो भी मैंने स्विमिंग सेट कर दी। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चार हॉबीज ले लेते हैं, एक स्विमिंग ले लेते हैं, एक यहां पर रीडिंग बुक्स ले लेते हैं, एक यहां पर राइडिंग ले लेते हैं, हॉर्स राइडिंग ले लेते हैं, और एक यहां पर ले लेते हैं ईटिंग फूड, ये भी हॉबी होती है। तो ये चार ऑप्शन ले लेते हैं, और चारों में यहां पर वैल्यू भी आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। रीडिंग लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा हॉर्स राइडिंग, और यहाँ पे आपने ले लिया ईटिंग फूड, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो चलिए आउटपुट देखने से पहले कम और कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग br टैग लगा लेते हैं। चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ आपको आउटपुट। तो ये देखिए इसका आउटपुट आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप लोग जो है वो मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, देखिए मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, और अगर आप इनको वर्टिकली डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक एक br टैग आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया br, कॉपी कर लेते हैं, br अगेन एंड अगेन br। तो यहाँ पे आपको देखिए ये आउटपुट ऐसा दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, यहाँ पर
तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो जो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हॉबीज है वो एक कैटेगरी है जिसमें चार ऑप्शंस हैं। इन इस पूरी कैटेगरी को एक ग्रुप बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबका नाम मींस जो नेम प्रॉपर्टी होगी वो सबके आपको सेम रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर सबको N1 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 और N1 ही रखा है। अगर आप यहाँ पे इसको अलग अलग कर देंगे तो वो एक ग्रुप में काम नहीं करेंगे, सारे ऑप्शंस अलग अलग काम करनी शुरू कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हॉबीज के लिए अंदर मुझे यहाँ पर चार अपने ऑप्शंस चाहिए, तो एक ग्रुप में मुझे काम करना है, इसलिए मैंने सबको एक N1 जो है नाम दिया है, मीन्स सबको सेम नाम दिया है। सेकेंड जो है वो है आपकी वैल्यू एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज ये है कि देखिए जो आपको दिखेगा स्क्रीन पर वो तो आपको देखिए ये टेक्स्ट दिखेगा स्विमिंग, यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है स्विमिंग ये आपको दिखेगा, और इसको देखकर जब आप यहाँ पर टिक करोगे स्विमिंग को तो डेटाबेस में जो वैल्यू सेव होगी वो आपकी इस वैल्यू एट्रीब्यूट में लिखी हुई वैल्यू आपकी सेव होगी। तो अगर आप रीडिंग बुक्स करते हैं तो रीडिंग सेव हो जाएगा, अगर आप राइडिंग हॉर्स राइडिंग करते हैं तो हॉर्स राइडिंग सेव हो जाएगा, और अगर आप ईटिंग फूड करते हैं तो ईटिंग फूड आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो वैल्यू जो प्रॉपर्टी होगी वही एक्चुअल वैल्यू होगी जो कि आपके डेटाबेस में सेव होगी जब आप टिक करेंगे। तो ये था आपका चेकबॉक्स बनाने का एक मेथड, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चेकबॉक्स में आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, यू कैन हैव मोर देन वन हॉबी विच यू कैन सिलेक्ट। तो मल्टीपल हॉबीज को सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर जो है वो चेकबॉक्स सेलेक्ट किए हैं। अब चलिए चलते हैं रेडियो बटन पर। तो देखिए रेडियो बटन बनाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको यहाँ पर इनपुट टाइप चेकबॉक्स की जगह इनपुट टाइप रेडियो का देना है। तो एक बार देख लेते हैं, जल्दी से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं तो इसलिए कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हॉबीज की जगह रख देते हैं कैटेगरी क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहां पर सबसे पहले कैटेगरी रखते हैं 10th, देन नेक्स्ट रख लेते हैं यहां पर 12th, उसके बाद रख लेते हैं ग्रेजुएशन, और उसके बाद रख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो देखिए यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन में मैंने चार कैटेगरी सेट कर दी हैं, 10, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे इसको दे देते हैं N2 नाम, इसको भी हमें एक ग्रुप में ही यूज करना है, तो इन सब में मैंने दे दिया है N2। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप इसको इसकी जो वैल्यू होगी उसको भी आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 10th कर देते हैं, 12th कर देते हैं, हॉर्स राइडिंग की जगह पे कर देते हैं ग्रेजुएशन, और यहाँ पर वैल्यू कर देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है चेकबॉक्स की जगह करना होगा रेडियो बटन बनाने के लिए रेडियो। तो देखिए यहां पर ये रेडियो बटन बना दिए, चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये रेडियो बटन बन के आ गए, जहां पे आप सिंगल सिलेक्शन ही खाली कर सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो ये रेडियो बटन है, और चेकबॉक्स ऊपर वाले हैं जहां पे आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, और रेडियो बटन जहां पे आप लोग सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मोर ओवर आप ये भी कर सकते हैं कि आप बाय डिफॉल्ट कोई, अगर आप चाहते हैं कि एक कोई भी ऑप्शन टिक होके आए तो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं चेक्ड, तो इतना लिखने से आपको वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन हमेशा चेक्ड मिलेगा। देखिए यहाँ पर वो आपको चेक कर पहले से ही डिस्प्ले कर रहा है। तो ये चेक वाला ऑप्शन आपको चेकबॉक्स में भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे कोई यूज नहीं है, आप रेडियो बटन में आप एक चेक कर शो कर सकते हैं।
इसके बाद अब देखते हैं कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाना है। तो कॉम्बो बॉक्स पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मैं फॉर्मेट में जाकर फॉन्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये जो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बो बॉक्स, जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे एंड यू कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन एट अ टाइम। तो ये कॉम्बो बॉक्स है, ये देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम लोग जो टैग यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा हमारा सेलेक्ट टैग। तो उससे पहले थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं, एक और बी आर लगा देते हैं और यहाँ लगाते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यूजर से एंटर करा लेते हैं, डी ओ बी, या डेट ऑफ ईयर करा लेते हैं, बर्थ ईयर, और बर्थ ईयर के बाद दे देते हैं एक बी आर टैग और इसके बाद यूज करते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पे हमें लिखना है सेलेक्ट नेम, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है बर्थ ईयर, इसको एक नाम दे दिया है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऑप्शन टैग से आप सेट करेंगे विद वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर सेट कर दी से 2001, और 2001 मैंने यहाँ पर सेट किया और ये ऑप्शन मैंने क्लोज कर दिया। और फाइनली मैंने यहाँ पर आकर सेलेक्ट को क्लोज कर दिया। तो देखिए इतना करने से क्या होगा कि आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिख जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है बर्थ ईयर, और अभी क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है तो ये एक ही ऑप्शन आपको शो करेगा। तो कुछ और ऑप्शन डाल देते हैं इसमें, तो डालने के लिए ऑप्शन डालने के लिए इसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो सबकी डेट ऑफ बर्थ यानी मींस जो ईयर ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे एंटर करा सकते हैं, मींस सेट कर सकते हैं, जो भी यूजर को सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रख लेते हैं कुछ, और इसके बाद फिर यहाँ पर डेफिनेटली वैल्यू भी चेंज करनी है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो जो आपकी डेटाबेस में सेव होगी। जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी जो वैल्यू सेव होगी वो आपकी वैल्यू एट्रीब्यूट आपको देगा, मींस डेटाबेस में सेव करेगा। तो इतना करने के बाद अब हम जरा इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहां देखिए ये यहां पर आपको ये शो कर रहा है, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये परफेक्टली काम कर रहा है। ये है कॉम्बो बॉक्स आपका, जिसमें आप सेलेक्ट को यूज कर सकते हैं विद ऑप्शन टैग, सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग दोनों आपको यूज करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं लिस्ट बॉक्स, जहाँ पे आप लोग मल्टीपल सिलेक्शन तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप जैसे कॉम्बो बॉक्स में यू कैन सी ओनली वन ऑप्शन एट अ टाइम, लिस्ट बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो लिस्ट बॉक्स में और कॉम्बो बॉक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ कुछ और रख लेते हैं, जैसे सर्टिफिकेशन रख लेते हैं, सर्टिफिकेशन रख लेते हैं। तो यहां पर मैंने ले लिया सर्टिफिकेशन ऑफ जावा, सर्टिफिकेशन ऑफ सी शार्प, सर्टिफिकेशन इन Python, सर्टिफिकेशन इन Oracle, और सर्टिफिकेशन इन .NET। तो ये रख लेते हैं कुछ ऑप्शन वैल्यू। तो कैंडिडेट ने जिसमें सर्टिफिकेशन जो जो सर्टिफिकेशन उसने कर रखा है वो उसे सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया जावा, और यहां पे मैंने ले लिया सी शार्प, सी शार्प, और यहां पर ले लेते हैं पाइथन, और यहां ले लेते हैं ओरेकल, और यहां ले लेते हैं .NET। तो देखिए यहां पर ये बन गया है आपका, ये तो सिंपल कॉम्बो बॉक्स ही है, बट इसको लिस्ट बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पर यूज करना होगा मल्टीपल इक्वल्स टू
मल्टीपल, इतना लिखने से ये आपके कॉम्बो बॉक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिस्ट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या शो हो रहा है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ देखिए यहाँ पर ये आपको लिस्ट बॉक्स आपको यहाँ पर शो कर रहा है, जहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस तो देख ही सकते हैं, साथ में आप मल्टीपल ऑप्शंस यूजिंग कंट्रोल बटन आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो मल्टीपल ऑप्शंस कैंडिडेट कैन सेलेक्ट, तो ये देखिए डिफरेंस है। यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में यू कैन सेलेक्ट और सी ओनली वन ऑप्शन एट ए टाइम, और यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस देख भी सकते हैं और आप उन्हें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये था आपका लिस्ट बॉक्स, और इसके ऊपर जो हम लोगों ने यूज किया था डेट ऑफ बर्थ के लिए, बर्थ ऑफ ईयर के लिए, वो था आपका कॉम्बो बॉक्स। अब फाइनली हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हाउ वी कैन क्रिएट बटन। तो बटन कैसे क्रिएट करने हैं, तो देखिये हम यहाँ पर तीन तरह से बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज सिंपल इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन नेम इक्वल्स टू बी वन एंड टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू बी वन एंड वैल्यू, और वैल्यू यहां पर मैंने सेट कर दी है। ये वैल्यू जो होगा वो एज अ कैप्शन बटन के ऊपर आपको दिखेगा। तो यहां पे मैंने सिंपल लिख दिया है बटन। तो पहले बना देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या है तीनों में डिफरेंस। और यहां पे मैंने ले लिया इनपुट टाइप रीसेट, और यहां पे मैंने ले दिया इनपुट टाइप सबमिट। तो बटन का नाम चेंज कर लेते हैं, बी टू कर लेते हैं, बी थ्री कर लेते हैं, और यहां पर क्योंकि रीसेट है तो हमें दिखना भी ऊपर रीसेट लिखा हुआ चाहिए, और यहां पर मुझे दिखना चाहिए सबमिट लिखा हुआ। तो देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ये तो एक जनरल बटन है, फर्स्ट वन ये तो एक जनरल बटन है, आप इसे किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हो। रीसेट बटन जो है वो आपके पूरे फॉर्म की एंटर्ड फील्ड वैल्यू को रीसेट करने के लिए यूज किया जाएगा, और जो सबमिट बटन है वो आपके डेटाबेस में आपके एंटर्ड वैल्यू को सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि सारे कंपोनेंट को मुझे सबसे पहले इनक्लोज करना होगा एक टैग के अंदर, दैट इज कॉल्ड फॉर्म टैग, और इसको मुझे यहां पर नीचे भी इनक्लोज करना होगा फॉर्म के अंदर। अब देखिए मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूं, रिफ्रेश करते हैं, और यहां देखिए यहां पे आपको तीन बटन्स दिख रहे हैं। एक बटन जो कि ब्लैंक है, यहां पे मैं पहले कुछ टिक कर लेता हूं जिससे कि रीसेट बटन मैं आपको यहां पर यूज करके दिखा सकूं, और यहां पर मैंने अब देखिए जब मैं रीसेट करूंगा तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो आपकी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगी, यानी जो फॉर्म होगा वो आपका रीसेट हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज जो है वो आपकी रीसेट हो गई। सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके फॉर्म को सबमिट करेगा डेटाबेस से, बट उसके लिए आपका डेटाबेस में इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो अभी तो नहीं है क्योंकि कनेक्टिविटी, तो ये आपको शो नहीं करेगा। और बटन जो है वो आप किसी भी और दूसरे पर्पज से आप यूज कर सकते हैं, जिस पर्पज से भी चाहें आप अपने बटन को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई मैसेज देना है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर, या आपको बैक बटन या फॉरवर्ड बटन बनाना है तो आप इसको बटन को यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ बटन के लिए। मैं यहाँ पर एक यूज कर रहा हूं ऑन क्लिक जो है वो एक इवेंट है। क्लिक करने पर मुझे क्या करना है, तो मैंने यहां पर अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स मैंने यूज किया है, और इसमें मैंने एक सिंपल मैसेज दे दिया है हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आपको दिख जाएगा, और ये तभी दिखेगा जब आप हेलो स्टूडेंट्स आपको तभी दिखेगा जब आप यहां पर क्लिक करेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। सेव कर लेते हैं और अब जरा इसको रिफ्रेश करते हैं और इस पर क्लिक करके देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कोडिंग में। अलर्ट, तो देखिए यहां पर क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स एक्टिवेट हो गया है, और जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स आपको शो कर देगा। ये एक मैं छोटा सा आपको ऑप्शन, छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि आप इस बटन को किस किस पर्पज